नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑप्शन की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में ये समझते हैं कि हमें नेक्स्ट डे के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है और इस स्ट्राइक प्राइस को हमें क्यों ट्रेड करना है। देखिए, जो मैं स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूँ ये आज की मार्केट की क्लोजिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। मार्केट अगर मान लीजिए प्री ओपनिंग में 100 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो जो हमने स्ट्राइक प्राइस आज सेलेक्ट की है 100 पॉइंट ऊपर की आपको सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए अगर हमने यहाँ मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 100 पॉइंट तो हम जो स्ट्राइक प्राइस कल पुट के लिए सेलेक्ट करेंगे वो 100 पॉइंट नीचे की करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा मंडे के सेशन में हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस, अभी इस वक्त मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस अच्छी लग रही है। अगर मार्केट मान लीजिए इसी लेवल के आसपास, इसी रेंज के आसपास में ओपन होता है या 50-60 पॉइंट ऊपर या नीचे ओपन होता है तो मैं इसी स्ट्राइक प्राइस को यहां पे मंडे को ट्रेड करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है और हमें किस प्राइस पे इसे बाइंग और सेल करना है। अब हमारी मार्केट देखिए, हमारा जो बैंक निफ्टी क्लोज है वो क्लोज है 29,236 के पास। हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पे आके क्लोज है। तो मैंने दो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे निकाल के रखी, मैंने लगा के यहाँ पे देखिए 500 की भी रखी है, 600 की भी रखी है, 300 की भी लगा के रखी है और पुट साइड में हमने यहाँ पे 29,000 की पुट भी लगा के रखी है और 28,900 की पुट भी लगा के रखी है। मान लीजिए अगर मार्केट कल, हम ये मान के चलते हैं कि इसमें 20-25 पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ ओपन हो या 50 पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ ओपन होता है तो मैं इसी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करूंगा। पहला कौन सा, पहले हम चलते हैं कॉल साइड में देखते हैं। कॉल साइड में हमने सेलेक्ट किया है 29,500 की कॉल, यानी आज की स्ट्राइक प्राइस से 250 पॉइंट ऊपर की कॉल को मैंने सेलेक्ट किया है। मंडे के सेशन में हम दूसरा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके रखे हैं। ऐसा नहीं कि ट्यूजडे के सेशन में भी हम 250 पॉइंट ऊपर रहेंगे। ट्यूजडे के सेशन में हमारा रेट जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, यानी नीचे वाला हम और पास वाला ट्रेड करेंगे। तो मंगलवार को कौन सा ट्रेड करना है वो कल वाले, जब मंगलवार की सोमवार को वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा। यहां पे अभी देखेंगे बैंक निफ्टी में जो 19,500 की कॉल की अगर हम बात करें तो 19,500 की कॉल में एक ध्यान से आप ध्यान से देखिएगा कि ये लास्ट सेशन यानी लास्ट आवर में यहां पे देखिए 2 बजे 2:30 बजे ये ट्रेड कर रहा था कितने में, 400-408 का इसने हाई लगाया है। अब 408 का हाई लगाने के बाद आके ये क्लोज हुआ है 290 पे। अब 290 पे क्लोज है, यहाँ पे अगर मंडे के सेशन में बाइंग साइड के लिए बोलूँगा शायद बैंक निफ्टी ऊपर ओपन हो, गैप अप ओपन हो, तो मुझे यहाँ पे बाइंग साइड का फिलहाल मेरा व्यू अभी नहीं दिख रहा। देखिए आज के चार्ट को देख के यहाँ पे नहीं है, कल अगर ओपनिंग में मेरी ओपनिंग स्ट्रेटजी गैप अप वाली फुलफिल होती है तो मैं शायद उस पर बाइंग करूँ या फिर कोई रेंज बनाएगा 5-7 मिनट कोई रेंज बना देगा उसके बाद मैं ट्रेड करूँ, लेकिन आज के चार्ट को देख करके डायरेक्ट बाइंग वाली कोई सिचुएशन यहाँ पे मुझे नहीं नजर आ रही। मान लीजिए मार्केट अगर ये ऊपर ओपन होता है या इसी प्राइस के आसपास ओपन होता है, स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 290-300 पे ओपन होता है और यहाँ से ये मार्केट नीचे की तरफ आता है, यानी ये जो हमारी कॉल है वो नीचे की तरफ आके 220 और 200 के पास में कहीं सपोर्ट लेती है, 200 से 220 के बीच में कहीं पे सपोर्ट लेते हुए दिखे और वहाँ पे आपको ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट की कम से कम 3-4 कैंडले बने और उस 3-4 कैंडले की अगर हाई को ब्रेक करते हुए ये पुट दिखेगी, मान लीजिए 200 से 220 या ये हो सकता है कि 200 से 230 के बीच, 210 से 230 के बीच में रेंज बनाए, लेकिन यहां पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके ये रेंज बनाए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आके ये रुके, यहां पे वेट करे मतलब इंतजार करे तभी हमें यहां पे लेना है। हमें डायरेक्ट यहां पे नहीं लेना है, डायरेक्ट नहीं लेना, यहाँ पे जब तक रुकेगी, जैसे ये कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे नीचे गिरा, 3-4 कैंडल इसी जगह पे रुकी है और 3-4 कैंडल के हाई के ऊपर निकला तो मार्केट में यहाँ मूवमेंट आई, उसी तरह से मार्केट यहाँ पे आए और इस जगह पे आके ये इसी जगह पे ट्रेड करे, यानी यहाँ पे 15-20 मिनट यहाँ पे रुके और रुकने के बाद में अगर हाई को ब्रेक करेगा, जनरली हम सब बाइंग ही करेंगे, इसमें सेल का तो कोई हमारे पास है नहीं क्योंकि मैं सेलर हूँ नहीं, मैं ऑप्शन बायर हूँ तो हम बाइंग करेंगे, अगर ये चलेगा तो ठीक है नहीं तो हम पुट बाइंग करेंगे। तो कॉल में क्या कंडीशन है कि कॉल यहाँ पे आए 200 मतलब यहाँ पे आके 200 के आसपास आके 220 के आसपास में आके ये रेंज बनाए और उस रेंज के हायर एंड को ब्रेक करेगा तब हम बाइंग करेंगे और उस रेंज का जो लोअर एंड होगा वो हमारा SL हम यहाँ पे लगा लेंगे कॉल में। कॉल कौन सी हम ट्रेड करने वाले हैं यहाँ पे 29,500 की, ये कंडीशन हमारी पहली बनी इस जगह पे हम ट्रेड करते हैं। मान लीजिए कल हम गैप अप ओपन हो जाते हैं तब ये गैप अप वाली थ्योरी जो हमारी इंडेक्स पे मैंने बताई है फिर हम उसको फॉलो करके पुट कॉल को हम ले सकते हैं।
अब चलिए हम पुट को लेते हैं, पुट को देखते हैं कि कौन सी पुट हमें ट्रेड करनी है। तो हमें जो पुट ट्रेड करनी है वो पुट हमने सेलेक्ट की है यहाँ पे 29,000 की, यानी 29,000 की पुट और 29,500 की कॉल। मार्केट क्लोज किया है कहाँ पे, 29,240 के आसपास। तो दोनों ही तरफ मैंने 250 पॉइंट ऊपर और 250 पॉइंट नीचे वाले यहाँ पे कॉल और पुट सेलेक्ट की है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मजा आ रहा चार्ट देख के, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चार्ट यहाँ पे लग रहा, और यहाँ पे ट्रेड थोड़ा सा मेरा अच्छा बनेगा कि मतलब देखिए मार्केट खुलते वक्त ट्रेड लेने वाली कंडीशन मेरी यहाँ पे बन रही कि हाँ यहाँ पे मार्केट खुला और एक दो मिनट, देखिए तुरंत ही पहले मिनट में नहीं घुस जाना है यहाँ पे, या पहले मिनट में बहुत तेज ऊपर की तरफ निकल गया तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मार्केट पहले सेफ्टी ढूंढना है अपनी, स्टॉक्स मार्केट में आप पैसा बचा के रखोगे तो आज ट्रेड नहीं मिला या ये ट्रेड छूट गया तो दूसरा ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन गलत तरीके या गलत जगह पर एंट्री नहीं ले लेना है। ऐसा नहीं कि शुरुआती मिनटों में ही आप ट्रेड लो, शुरुआती मिनटों में ट्रेड लेने के लिए बहुत एक्सपर्ट आपको होना पड़ेगा। तो शुरुआती एक दो मिनट आप लोग बिल्कुल छोड़ देना, एक दो मिनट आप देख रहे हैं, आप ये समझना कि आपके लिए मार्केट 9:17 9:18 पर ही ओपन हो रहा, और खास तौर पे जब हम छुट्टियों के बाद ओपन होते हैं तो ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना वो डीके प्राइस डीके थोड़ा तेज होता है। तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया तो 100 पॉइंट ऊपर जाने में अगर कॉल को हम देख रहे हैं तो कॉल अगर 100 पॉइंट ऊपर जाने में उतना तेजी से नहीं बढ़ेगी, लेकिन वही वो 100 पॉइंट वापस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ना तो आप देखेंगे आपकी कॉल बहुत तेजी से घटती हुई नजर आएगी। तो शुरुआती 4-5 मिनटों में अगर आप नहीं भी ट्रेड कर रहे छुट्टियों के बाद, देखिए सैटरडे संडे वाली छुट्टी के बाद की बात कर रहा हूँ, या फिर मार्केट में कोई हॉलीडे है उसके बाद आप तुरंत वहाँ पर जाकर ट्रेड मत करो, वेट करो 2-4 मिनट वेट करो, प्राइस निकल जा रहा है निकल जाने तो दूसरा ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन हड़बड़ी में या जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं लेना है। तो यहां पे मान लीजिए अगर ये पुट मुझे नीचे की तरफ यहां पे मिल जाती है 320 325 यहां पे ओपन होती है, और यहां पे ओपन होके ये ऊपर की तरफ जाके यहां पे 370 372 वाले लेवल को निकालती है तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी मूवमेंट हमें यहां पे देखने को मिल सकती है। पुट साइड में मैं एक सपोर्ट एक लाइन ड्रॉ करता हूं रेजिस्टेंस वाली, तो उसमें आपको समझ में आएगा। यहां पे देखिए ये 370 से लेकर 370 375 वाला जो एरिया है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना है। देखिए सारे दिन में इसने 2 बजे के बाद, अगर 2 बजे के बाद से ये नीचे आया तो 2 बजे बाद से ये ऊपर की तरफ गया नहीं, यहाँ पे टेस्ट जरूर इसने 2-3 बार किया है लेकिन इसके ऊपर ये निकला नहीं है। पुट साइड में जो हमारी पुट है 29,000 की उसके ऊपर नहीं निकला है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 370 372 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो ये पुट आपको बहुत तेजी से कहाँ तक जाएगी, 430 के पास तक जाएगी, 430 के पास तक ये पुट काफ़ी तेजी से होती हुई जाएगी। तो इस लेवल पर नज़र बना के रखिएगा। मज़ा कब आएगा, जब ये नीचे की तरफ ओपन हो, यानी ये 320 325 ओपन होती है और यहाँ पे आती है, एक आध कैंडल 1 मिनट की 2 मिनट की अगर रुकती है और उसके बाद ये 372 374 वाले लेवल को क्रॉस करता है तो ये मूवमेंट आपको काफ़ी फास्ट मिलते हुए दिखेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो हमारी पुट है 29,000 की। वहाँ पे अगर ये 29,000 की पुट मान लीजिए यहाँ पे तक आती है और फिर तो होल्ड करती है या फिर नीचे आती है और वापस इसको क्रॉस करेगा 450 430 450 वाले लेवल को, तो फिर हम यहाँ पे 470 से 490 के लेवल यहाँ पे दिखा सकते हैं इस पुट में। तो पुट साइड में ज़्यादा मुझे कंफर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये चार्ट को देख के पुट साइड में ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये नीचे पुट ओपन होती है और 375 को ब्रेक करती है तो यहाँ पे काफ़ी तेज मूवमेंट आती हुई आपको दिख सकती है बैंक निफ्टी में। अब देखिए बैंक निफ्टी में मैं आज की पोजीशन अगर अपनी दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए आज की पोजीशन पे मैंने ट्रेड किया यहाँ पे बैंक निफ्टी 29,300 की कॉल, जहाँ पे मुझे लॉस हुआ था 2,11,000 का। उसके बाद फिर मैंने ट्रेड किया यहाँ पे 28,800 की पुट, जहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ था 62,000 का। 28,500 की पुट मैंने ट्रेड की तो वहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 1,51,000 का। और उसके बाद हमने ट्रेड किया 28,400 की पुट तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है 1,01,000 का। 29,500 की कॉल में मुझे प्रॉफिट हुआ है सिर्फ यहाँ पे 3,000 रुपये का, क्योंकि ये क्वांटिटी जो थी मेरी 50 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ले ली थी, क्योंकि ऑलरेडी एक तो प्रॉफिट हो जाता है, एक लॉस के बाद अगर आप इस लॉस को रिकवर करने के बाद में भी प्रॉफिट लेके जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ज़्यादा लालच वहाँ पे नहीं करना है, तो यहाँ पे सिर्फ 50 क्वांटिटी ट्रेड की। अगर ये नॉर्मल क्वांटिटी ट्रेड करता तो ये सारे प्रॉफिट के बराबर यहाँ पे एक प्रॉफिट आपको दिखता हुआ नज़र आता, लेकिन ये हमारे रूल्स और डिसिप्लिन जो मैंने बनाए हैं उसके खिलाफ होता, तो ये मैं चीज़ें नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ें स्टॉक्स मार्केट में करके देख ली है। तो अगर आप रूल्स डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हो तो स्टॉक्स मार्केट आपको घर पे पैसे लेके जाने नहीं देगा। तो अपने रूल्स बनाइए, उस रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, तब स्टॉक्स मार्केट आपको घर पे पैसे लेके जाने देगा। दोस्तों अगर आप ज्यादा ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग के लिए आपको बस इतना करना है कि आपको हमारे लिंक के थ्रू जीरोधा एंजल ब्रोकिंग या आप स्टॉक किसी एक में आपको अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन
ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे मैं आपको अपने सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आप हमारी ट्रेनिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोगों ने अकाउंट ओपन किया है, तो ट्रेनिंग धीरे धीरे सबको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया कि हमें ट्रेड करना है 29,500 की कॉल पर, मेरी नज़र होगी मंडे के सेशन में, और 29,000 की पुट पे। दोनों के लेवल मैंने आप लोग को बता दिए। मार्केट अगर यहाँ से मान लीजिए 100 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है, 29,350 या 29,400 पे ओपन होता है, तो मेरी जो कॉल साइड जो 29,500 की है, वो कॉल मेरी ऊपर खसक के 29,600 की हो जाएगी। उसी तरह से मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है 100-150 पॉइंट, तो मेरी जो पुट होगी वो 100 पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।